क्या जैन समाज सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही है या फिर हिंदुस्तान के बाहर भी जैन समाज है? एक छोटा सा आंकड़ा आप सभी के मध्य प्रस्तुत है कि किस प्रकार पूरे विश्व के अंदर जैन समाज, जैन व्यक्ति अपना स्थान व्यापक रूप से रखते हैं। यूरोप में जैन धर्म, पश्चिम में जैन धर्म पेश करने का श्रेय जर्मन विद्वान हरमन जैकोबी के पास जाता है, जिन्होंने कुछ जैन साहित्य का अनुवाद किया और 1884 में इसे सेक्रेड श्रृंखला के अंदर प्रकाशित किया। यूरोप में सबसे बड़ी जैन आबादी ब्रिटेन में है, लगभग 25,000 की आबादी, जो कि सन 2006 तक का आंकड़ा है, एक मापी गई है। भारत के बाहर रहने वाले जैन विभिन्न परंपराओं से संबंधित हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, तेरहपंथी, स्थानकवासी, श्रीमद राजचंद्र, सभी का प्रतिनिधित्व किया जाता है। कई मामलों में वे सांप्रदायिक मतभेदों को भूलकर एक साथ इकट्ठे होते हैं और पूजा करते हैं। आयरलैंड में जैन धर्म, आयरलैंड में जैन समुदाय विभिन्न व्यवसायों में शामिल है। आयरलैंड में जैन लगभग 1,000 लोगों के होने का अनुमान है। बहुमत डबलिन के आसपास रहते हैं, लेकिन कुछ परिवार उत्तरी आयरलैंड समेत देश के अन्य हिस्सों में भी हैं। बेल्जियम में जैन धर्म, बेल्जियम में जैन लगभग 1500 लोगों के होने का अनुमान है। थोक हीरा व्यवसाय में काम कर रहे बहुमत एंटवर्प में रहते हैं। बेल्जियम भारतीय जैनों के कच्चे हीरों के व्यापार के 2/3 हिस्से को नियंत्रित करता है और लगभग 36% अपने कच्चे हीरे के साथ भारत की आपूर्ति करता है। जैन मंदिर पोर्ट शर्बर, हार्टफोर्डशायर। यूनाइटेड किंगडम में जैन धर्म, 2016 तक यूनाइटेड किंगडम में लगभग 35,000 जैनों के होने का अनुमान है। पहले जैन बसने वालों में एक चंपत राय जैन कानून का अध्ययन करने के लिए सन 1892 से लेकर के 1897 के दौरान इंग्लैंड में रहे। उन्होंने 1930 में ऋषभ जैन लैंडिंग लाइब्रेरी की स्थापना की। बाद में उन्होंने कई जैन ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। लीसेस्टर भारत के बाहर दुनिया के कुछ जैन मंदिरों में से एक है। लंदन में ग्रीनफोर्ड में जैनोलॉजी संस्थान भी है। पिछले दशक में ग्रेटर लंदन में जैन समुदाय की वृद्धि देखी गई है। वर्तमान में जैन नेटवर्क के कोलिनडेल में एक डेरा सर है और महावीर फाउंडेशन कैंटन डोर कैंटन में एक जैन मंदिर है। अफ्रीका में जैन धर्म, अफ्रीका में करीब 20,000 जैन और लगभग 10 जैन संगठन हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैन धर्म अफ्रीका में प्रवेश कर चुका था। जब जैन पहली बार भारत से केन्या में आए और उसके बाद युगांडा, सूडान और तंजानिया गए। केन्या में जैन धर्म, केन्या में जैन धर्म लगभग 100 वर्षों तक मौजूद रहा है। यह एक छोटे से समुदाय द्वारा किया जाता है जो सक्रिय रूप से जैन सम्मेलनों का आयोजन करता है। नैरोबी और मोम्बासा में जैन मंदिर हैं। जैन नैरोबी और अन्य बड़े शहरों में सबसे सफल और समृद्ध व्यवसायियों में से एक हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जैन धर्म, 20वीं शताब्दी में जैन धर्म के अनुयायियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार प्रस्थान किया। 1893 में वीरचंद गांधी आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाले पहले जैन प्रतिनिधि थे और विश्व धर्म की पहली संसद में जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करते थे। अमेरिकी जैन धर्म के इतिहास में वीरचंद गांधी को जैन धर्म के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक रूप से बोलने वाले पहले अभ्यास जैन के रूप में माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला सेंट लुइस जैन मंदिर 1904 में सेंट लुइस वर्ल्ड मेले के लिए बनाया गया था। मेले के बाद मंदिर लॉस वेगास और बाद में लॉस एंजलिस में लाया गया। अब यह दक्षिणी कैलिफोर्निया के जैन सेंटर के स्वामित्व में है। पहले भिक्षु जो यांत्रिक साधनों के उपयोग से भारत के बाहर यात्रा करते थे वह आचार्य सुशील कुमार थे, जो 1975 में संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महावीर जैन मिशन सहित कई केंद्र स्थापित किए, जिन्हें सिद्धाचलम के नाम से जाना जाता है। 1980 के दशक में उन्होंने और चित्रबनु ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जैन समुदाय का समर्थन करने के लिए
उत्तर अमेरिका में जैन संघों के संघ की स्थापना को प्रेरित किया। भारत के बाहर रहने वाले जैनों में से कम एक तिहाई संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं, जो 1,00,000 के करीब हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जैन मंदिर, जो 2006 के अनुसार लगभग 26 थे, संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 100 विशिष्ट जैन मंडलियां हैं। न्यू जर्सी में जैन मंदिर, ग्रेटर फिनिक्स का जैन सेंटर, बर्मा के अंदर जैन धर्म, दक्षिण पूर्व एशिया को स्वर्ण भूमि के रूप में संदर्भित करते हैं। माना जाता है कि एक जैन भिक्षु कलाकाचार्य ने बर्मा का दौरा किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले लगभग 5,000 जैन परिवार बर्मा में रहते थे। लगभग सभी परिवार अब बर्मा छोड़ चुके हैं। रंगून में 3 या 4 जैन परिवार और जैन मंदिर हैं। रंगून हेरिटेज ट्रस्ट पुराने मंदिर के अन्य प्रमुख स्थलों के साथ साथ इस मंदिर को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए लॉबिंग कर रहा है। चीन में जैन धर्म, कहा जाता है कि यहां पर ऋषभदेव के पुत्र का शासन था। शुरुआत से ही चीन की संस्कृति पर जैन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। चीन में जैन संतों ने अहिंसा का व्यापक प्रचार किया। चीन में 8 प्रकार की जैन जातियां पाई जाती हैं, जैसे कि तलवारी, जाबरा, तुबावार इत्यादि। चीनी लिपि में भी जैनागम व्यापक मात्रा में प्राप्त होता है। जियांग शहर में सड़क बनाने के लिए की गई खुदाई में 20 सुरंगें मिली थीं, जिसमें से 8 सुरंगों में लगभग 400 जैन मूर्तियां प्राप्त हुईं और ये सभी मूर्तियां काष्ठ की थीं। चीन के साथ साथ मंगोलिया में भी जैन धर्म का प्रभाव था। मंगोलिया में जैन खंडित स्मारक, मूर्तियां, तोरण इत्यादि प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान में जैन धर्म, 1947 में मौलाना अशरफ अली के हाथ में जैन परिवार जैन मंदिर की चाबी सौंपकर भारत चला गया था, लेकिन आज तक कोई भी उस परिवार का सदस्य मंदिर की जिम्मेदारी वापस लेने नहीं आया। खास बात यह है कि यह मंदिर मस्जिद के अंदर बना हुआ है और कहा जाता है कि यह मस्जिद से भी अधिक प्राचीन है। यह मंदिर पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। मौलाना आज भी उस मंदिर पर अपना कोई हक नहीं जताते हैं और आज भी वे इस मंदिर की चाबी किसी जैन भारतीय को देने तैयार हैं। वे कहते हैं कि कोई भी मजहब किसी दूसरे की चीज पर अधिकार करना नहीं सिखाता। बाबरी मस्जिद पर आक्रमण के समय इस मंदिर पर भी मुस्लिम लोग आक्रमण करने आए थे, लेकिन मौलाना ने किसी को भी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया था। इस तरह